प्रश्नावली 17.4 का पहला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग 24 है तथा उनका गुणनफल 440 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसमें तीन संख्याओं का जिक्र किया है ना, और वो तीन संख्या कौन से हमें पता नहीं है, तो हमें प्रश्नों को कैसे बनाना है, हमें मानना पड़ेगा। तो चलो मान लेते हैं, लिखो माना समांतर श्रेणी की तीन क्रमागत संख्या, तीन क्रमागत संख्या मान रहे हैं ना, तो कौन सा हो सकता है, पहला जो है a माइनस डी मान लेते हैं, दूसरा a और तीसरा a प्लस डी। ठीक है, देखो यहां से शुरू हुआ है, यहीं पे अंत हुआ है, ये माइनस है और ये प्लस है। ठीक है, तो जब भी ऐसे संख्या मानना है, जब भी आप मानोगे तो ऐसी संख्या मानना जो d का जो मान रहेगा वो आपस में एक प्लस में रहेगा एक माइनस में रहेगा। अगर इसे मैं 2d मानता हूं तो इसे भी मैं क्या मानूंगा, 2d। अगर मैं इसे 3d मानूंगा तो यहां भी इसे 3d मानूंगा। ठीक है, इसका मानने का कारण ये है कि मुझे आसानी से a का मान, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं आसानी से a का मान मैं निकाल सकूं। ठीक है, a का मान मैं आसानी से निकाल सकूं, जिससे क्या होगा, d जो है आसानी से कट जाए और कटने के बाद सिर्फ a बचे और a का मान निकल जाए। तो चलो हल करते हैं जैसे कि प्रश्न में कहा है उसके हिसाब से। तो समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग कितना है, 24 है, तो अब इन तीनों को जोड़ दो, तो तीन संख्याओं का योग, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस डी, और तीनों को जोड़े है ना, देख लो यहाँ पे प्लस लगा, तीनों को हमने जोड़ दिया, तीनों का योग कितना है, 24 है। अब यहाँ पे देखो ये d माइनस में है, ये d प्लस में, कट गया ना, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं जो d का मान है, जो d का मान हम मानते हैं वो आसानी से कट जाए, तभी क्या होगा, हम आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो d जो है देखो आसानी से कट गया, एक दो तीन, तीन ए बचा, तीन ए, और ये रहा 24, तीन ए कम तीन अट्ठे 24, तो a का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, a का मान कितना प्राप्त हुआ, 8 प्राप्त हुआ, आसानी से a का मान निकल गया। अब प्रश्न में क्या कहा है, तथा उनका गुणनफल, मतलब किनका गुणनफल, ये जो तीनों है ना इन्हीं का गुणनफल, इन्हीं का क्या करेंगे, मतलब इन्हीं को गुणा करेंगे, गुणन करेंगे, तो इनका गुणनफल कितना प्राप्त होगा, 440 प्राप्त होगा कह रहा है। तो चलो करते हैं, a उसके बाद माइनस डी गुणित a, फिर गुणित a प्लस डी, 400, ये रहा 40। आगे हल करते हैं, तो ये जो a है ना इसके जगह में क्या रख सकते हैं, देख लो 8, तो 8 माइनस डी गुणित 8 गुणित 8 8 प्लस डी है ना, और ये रहा 440। ठीक है, अब यहां से जो कट सकते हैं उसको भी कटा देते हैं, तो देखो ये 4 के पहाड़ा में दो बार में, और ये 4 के पहाड़ा में एक एक जीरो, और दो के पहाड़ा से देखो ये और कट रहा है, दो एकम दो पंचे और दो पंचे 55 बार में ये कट गया। ठीक है, कट गया इसलिए हमने कटा दिया, और देखो सभी गुणा के फॉर्म में, इसीलिए ये 8 जो है आसानी से 440 को क्या कर रहा है, भाग दे रहा है ना, आसानी से काट रहा है। अब ये जो बचा है इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, क्योंकि अब यही दोनों मान बस बचा है ना, इनका मान तो एक आ गया, एक का गुणा किसी के साथ भी करो जो मान रहेगा वही प्राप्त होता है, इसलिए ये बचा है और ये बचा है, इन दोनों का गुणा कर दो। तो गुणा करेंगे तो आपको पता है, अगर प्लस और माइनस दिया हो, देखो इसमें प्लस है और इसमें माइनस दिया हो, तो सर्वसमिका आपको पता है ना, सर्वसमिका क्या है कि ये जो मान है ये इसके साथ ही बस गुणा होगा और ये मान इसके साथ गुणा होगा, यही नियम है ना। तो 88 कितना हो गया, 64, तो यहाँ पे 64 लिखो, फिर प्लस माइनस गुणा होके माइनस बन जाएगा, और डी गुणा होके क्या बन जाएगा, डी का वर्ग बन जाएगा, और यहाँ पे 55, ये जो 55 है इसको इस साइड ले आते हैं, तो 64 इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो डी का वर्ग है उसको 55 के साइड ले जाते हैं, तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, घटा दो, तो घटाने पे कितना बचेगा, 9 ना, घटाने पे ये बच रहा है, 9 बच रहा है, और यहाँ पे डी का वर्ग, इस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 का वर्ग लिख सकते हैं बिल्कुल, और ये डी का वर्ग, ये वर्ग और ये वर्ग दोनों कट गया, बचा कितना, इसको अब आगे मैं डी रख लेता हूँ, पीछे मैं
तीन रख लेता हूँ, इस तरीके से जमा के लिख लेता हूँ। तो डी का मान कितना आया? तीन आया। ठीक है, डी का मान कितना आया? तीन आया। और इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहा था? वह संख्या ज्ञात कीजिए कहा था ना, संख्या ज्ञात करने के लिए कहा था। तो चलो संख्या ज्ञात करते हैं। पहली संख्या क्या था? ए माइनस डी, है ना, पहली संख्या यही है ना, ए माइनस डी। आगे इसको हल करो, तो ए के जगह में कितना रखेंगे? आठ, और डी के जगह में तीन। तो पहली संख्या क्या हो गया? ये पहला नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो पहली संख्या पांच प्राप्त हुआ। ठीक है, दूसरी संख्या निकालते हैं, तो ए बराबर ए के जगह में आठ रखेंगे, तो आठ प्राप्त होगा, दूसरी संख्या आठ। तीसरी संख्या ए प्लस डी बराबर आठ प्लस तीन बराबर आठ, तीन कितना हो गया? ग्यारह। तो देख सकते हो ये रहा आपका पहला, दूसरा और ये तीसरा संख्या। ठीक है, यही हमें क्या करना था? ज्ञात करना था। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसका उत्तर है। तो इस तरीके से पहला प्रश्न आपका बन गया। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखते हैं। जो प्रश्न सेम टू सेम रहेगा बनाने में उन प्रश्नों को हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, सेम टू सेम बनाने वाले प्रश्नों को देखेंगे तो टाइम वेस्ट होगा, इसलिए उससे संबंधित प्रश्न जितने भी रहेंगे उनको छोड़ देंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया पहला प्रश्न, तो दूसरा तीसरा एकदम सेम टू सेम है। तो चलो दूसरा प्रश्न यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या है? इसमें भी समांतर श्रेणी दिया हुआ ना, तो यहाँ पे मैं पूरा लिख देता हूँ। चलो, यदि किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग, इस प्रश्न में इस बार कितना दिया है? 27 दिया हुआ है, और उनके वर्गों का योग 93 है, 293। ठीक है, इसे 293 लेना है, 293 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, यदि किसी समांतर श्रेणी की तीन संख्याओं का योग 27 है और उनके वर्गों का योग 293 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? मानोगे, है ना, मान लेते हैं, मानेंगे तो पहला क्या रहेगा? a माइनस डी, तीन है ना, यहाँ पे देखो तीन संख्या है, जैसे हमने पहले में माना था वही सारे मान इसमें भी मानेंगे, a माइनस डी, फिर a, फिर a प्लस डी, यही मानोगे और इन्हीं तीनों का योग कर दोगे, है ना, इन्हीं तीनों को जोड़ोगे, तो यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो योग कितना होगा? जैसे कि प्रश्न में कहा है 27 हो जाएगा। ठीक है, आगे हल करोगे तो a का मान कितना आ जाएगा? ये और ये तो कट गया, तो तीन ए और ये 27, तीन एकम तीन या 27, ए का मान कितना आ गया? ए का मान 9 आ गया, है ना, यहीं पे देखो छोटा सा मैंने हल किया, ए का मान आ गया 9। अब क्या करेंगे? इन्हीं तीनों को गुणा करेंगे, तो ए माइनस डी, अब यहाँ पे क्या है? उनके वर्गों का योग, है ना, उनके वर्ग, एक मिनट, यहाँ पे क्या कहा? देखो उनके वर्गों का योग, गुणा नहीं करना है, यहाँ पे कहा क्या है? उनके वर्गों का, किनके वर्गों का योग? ये जो मान दिया है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीनों तीनों के वर्ग पहले करो, फिर इसका भी वर्ग और a प्लस डी इनका भी वर्ग करो, इनके योग, देखो वर्ग करने के बाद यहाँ पे जोड़ने का निशान फिर लगा देना है, और वर्गों के योग कितना होगा? 293 होगा, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। अब आगे आप लोग हल कर लोगे कि नहीं? कर लोगे ना, अब ये प्रश्न जो है सरल हो चुका है, तो अब आगे आपसे हल हो जाएगा कि चलो इस प्रश्न को मैं बना के ही बता देता हूँ, इससे संबंधित एक और प्रश्न है उसको मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा, इसको हम हल करेंगे, तो ये a का वर्ग प्लस d का वर्ग माइनस 2ad, यही होगा, फिर ये a का वर्ग, फिर प्लस यहाँ भी a का वर्ग प्लस d का वर्ग प्लस 2ad, इस तरीके से, और 293। ठीक है, इसको हमने जो वर्ग दिया हुआ था ना ऊपर में, उसको हमने हटा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से मान हमें क्या होगा? प्राप्त होगा, ये और ये कट गया, काट देते हैं। ठीक है, जो कट रहा है उसको काट देंगे। अब और कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है ना, तो देखो a का वर्ग, a का वर्ग, a का वर्ग कितने बार आया है? तीन बार आया है, तो इसको हम लिखेंगे तीन a का वर्ग, एक और दो बार आया है,
डी का वर्ग, तो 2, 9, 3। ठीक है, ए के वर्ग मतलब जो हमारे पास ए का मान है कितना है, 9। ए का मान कितना है, 9, तो 9 को हम यहाँ पे रखेंगे जहां पे ए का वर्ग है। तो 3 × 9 का वर्ग प्लस 2 d का वर्ग बराबर 2, 9, 3। तो ये हो जाएगा 3 × ये 9 × 81 है ना, 81 हो गया, 2 d का वर्ग बराबर 293। फिर इन दोनों का गुणा करें तो 3 × 8 = 24, 243 प्लस 2 d का वर्ग 2, 9, 3। अब ये जो 2 d का वर्ग यहीं पे रहने देते हैं, इस मान को हम इस साइड ले जाते हैं, तो 293 माइनस 243 घटा दो तो 3 और 3 कट के 0 हो गया, 9 में 4 घटाएं कितना आएगा, 5 आ जाएगा, 2 और 2 0 हो गया मतलब 50 आ जाएगा। तो 2 d का वर्ग, 2 को इससे काट दो तो ये 25 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बचा d का वर्ग, और इस 25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 का वर्ग लिख सकते हैं, ये दोनों कट गया, d का मान कितना आया, 5 आ गया। तो d का मान देखो इतनी आसानी से हमने 5 निकाल दिया ना, d का मान आ गया। अब d का मान आ गया तो पहला दूसरा तीसरा तीनों का मान आसानी से निकाल लेते हैं। तो पहला निकाल लेते हैं, तो a माइनस d यही था, a के जगह में 9 और d के जगह में 5, तो घटाएं कितना आ जाएगा, 4। दूसरा a 9, तो 9 ही रहेगा है ना, और ये तीसरा a प्लस d 9 + 5 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, ये कितना हो गया, 14। तो देखो पहला दूसरा तीसरा यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ, सरल था प्रश्न। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न यहाँ पे मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, ठीक है, इसको बना के खुद देखना। तो समांतर श्रेणी के 3 संख्याओं का योग 12 है तथा उनके घन का योग 288 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखो जैसे हम 3 संख्याओं का योग करते हैं वैसे ही करेंगे। इस बार क्या क्या है, वर्ग न करने के जगह पे इस बार क्या क्या है, घन करने के लिखा है। घन मतलब 3 घात, ठीक है, घन का मतलब क्या होता है, 3 घात है ना। देखो यहाँ पे जो हमने 2 2 घात लिया है ना, देखो 2 घात 2 घात 2 घात, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 घात 3 घात 3 घात करना है। योग तो इसमें भी करना है दूसरा प्रश्न में, है ना, देख लो योग इसमें भी करना है, तो बस उसमें क्या करना है आपको, 3 घात लेके हल करना है। ठीक है, तो ये प्रश्न मैं आपको ये लिए छोड़ रहा हूँ, आगे बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। देखो चौथा प्रश्न समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 30 है और इनमें से प्रथम और तृतीय संख्याओं का अनुपात 3:7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, संख्याएं ज्ञात करना है। तो समांतर श्रेणी की 3 संख्याओं का योग 30 है और इनमें से प्रथम और तृतीय संख्याओं का अनुपात 3:7 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये प्रश्न भी सेम टू सेम है। तो आपको पता है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे 3 संख्याओं का योग, चलो मैं फटाफट इसको हल करता हूँ क्योंकि यहाँ पे इस बार क्या दिया, अनुपात दिया है, तो अनुपात यह थोड़ा सा अलग हो सकता है लेकिन बनाने के तरीके सेम है ना।
तो फटाफट हल करते हैं। चलो ए माइनस डी योग का है, इसके बाद प्लस ए, फिर ए माइनस डी, है ना। ये माने होने मानने वाला जो तरीका है, जैसे माने होने वाला, ये मैं अभी थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने पहले में पूरा किया है ना, वैसे ही आपको पूरा प्रोसेस करके हल करते आना है, ठीक है। इसको फटाफट हल करते हैं। ये कट गया, ये 3 हो गया, 3 और ये 30, 3 कम 3 दहाई, ठीक है। ए का मान निकल गया, देखो बहुत फास्ट हल कर रहा हूं, तो ये ए का मान कितना आ गया, 10 आ गया। अब करना क्या है, प्रथम और तृतीय संख्याओं का अनुपात, प्रथम और तृतीय संख्याओं का अनुपात। इसका मतलब क्या है, ये प्रथम संख्या और ये तृतीय संख्या, तो ए माइनस डी और ए, सॉरी ये प्लस है, ए माइनस डी और ए प्लस डी, ठीक है। अनुपात का मतलब क्या होता है, भाग देना एक दूसरे को, ठीक है। तो अनुपात देखो ऐसे ही है, तो 3:7 इस प्रकार से, ठीक। ये इसके साथ गुणा होगा, ये इसके साथ गुणा होगा, दोनों का गुणा कर दो, तो 7 का गुणा इसके साथ होगा, 7a - 7d, और ये 3a + 3d, ठीक है। ए वाले को एक साइड और डी डी वाले को एक साइड, इस तरीके से मतलब एक दूसरे साइड में ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ए वाला है 7a और 3a को इस साइड ले जाते हैं, माइनस हो जाएगा, और इसको साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 7d और 3d, ठीक है, इस तरीके से। तो हल करो, तो ये 4a हो जाएगा और ये हो जाएगा 10d हो जाएगा। a का मान कितना है, 10, तो रख दो यहाँ पे 4 × 10 और ये 10d, तो 10 और 10 कट गया, तो d का मान कितना आया, 4d आया, ठीक है। d का मान कितना आया, 4 आ गया, है ना। और पहला दूसरा और तीसरा का मान अब निकालना है, तो ये अब आप लोग निकाल लोगे ना, बस यहाँ पे आपको क्या करना है, ए और डी का मान रखना है, फिर ए का मान रखना है, फिर ए प्लस डी का मान रखना है। आसानी से क्या निकल जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों पदों का मान निकल जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। चलो अगला प्रश्न देखो, 4 तक के जो प्रश्न अभी हमने देखा है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो देखो पांचवा प्रश्न, यदि यदि चतुर्भुज चतुर्भुज के कोण समांतर श्रेणी में है, जिनका सर्वांतर 10 अंश है, तो कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है तो कोण ज्ञात कीजिए। तो एक चतुर्भुज है ना, एक चतुर्भुज, चतुर्भुज कैसे दिखता है, जिसके 4 कोण हो ना, तो चतुर्भुज कैसे, जिसके जिस जिसका 4 कोण हो वो क्या कहलाएगा, चतुर्भुज कहलाएगा ना, 4 भुजा 4 कोण, ठीक है। जिसके 4 भुजा होते हैं और जिसके 4 कोण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, चतुर्भुज। तो आकृति में वो इस प्रकार भी दिखेगा, और इसके अलावा और दूसरे तरीके से भी दिख सकता है, लेकिन उसमें 4 कोण होना चाहिए और 4 भुजा ही होना चाहिए, उसी को हम क्या कहेंगे, चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज इस प्रकार से दिखाई देगा, तो इसके कितने कोण है, 4 कोण है, ठीक है। जैसे प्रश्न में 4 कोण समांतर श्रेणी में है कह रहा है, तो 4 कोण है, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा यही है ना कोण, तो 4 कोण हो गया, ठीक है। तो चलो चारों कोणों को, 4 कोण यहाँ पे दिया हुआ है, तो चारों कोणों का जो जो हम मानेंगे ना कोण का मान, उसको मान लेते हैं। तो देखो पहले वाले का हम मान लेते हैं a माइनस 3d, दूसरे को हम मान लेते हैं a माइनस d, तीसरे को a प्लस d और चौथे को a प्लस 3d, इस तरीके से, ठीक है। ध्यान देना, जब भी हम मानेंगे तो d को कटते हुए मानों को ही मानना है। तो देखो यहाँ पे जो हमने अभी माना ना, माना AP मतलब समांतर श्रेणी से, अरिथमेटिक है ना, प्रोग्रेस से है तो समांतर श्रेणी है ना, तो ये AP का मतलब समझ में आ गया, समांतर श्रेणी को ही प्रदर्शित करेगा। तो AP में चतुर्भुज के 4 कोण, 4 कोण कौन कौन से, पहला है a-3d, दूसरा है a-d, फिर तीसरा है a प्लस डी। देखो ये दोनों कट जाएगा है ना,
फिर यहाँ पे 3d है तो a प्लस 3d, यहाँ पे देखो d भी कट जाएगा, ठीक इसी तरीके से। तो ये चारों कोण इस प्रकार से हैं। अब इन चारों को क्या करना है, जैसे प्रश्न में क्या कहा है, यदि चतुर्भुज के चारों कोण समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है कह रहा है, तो चारों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है, जोड़ते हैं। तो a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d और फिर a प्लस 3d, ठीक है। और इन चारों का योग कितना होता है आपको पता है ना, 360 अंश। एक समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समांतर से, समांतर चतुर्भुज नहीं, हम कह सकते हैं चतुर्भुज कहेंगे, ठीक है, क्योंकि जो चतुर्भुज है समांतर भी होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज होता है, चतुर्भुज के भी कई प्रकार होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चतुर्भुज हो, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होगा, 360 ही होगा, ही होगा, ठीक है। चतुर्भुज के चारों कोणों का मान 360 होगा, इसलिए यहाँ पे हम कितना रखेंगे, 360 रखेंगे। तो 360 आ गया, ये 3d, 3d कट गया, ये डी कट गया, है ना, तो बचा क्या, 4a और ये 360 अंश काट दो, कितना होता है, 4 नियम 36, 400 नियम, ए का मान कितना आ गया, ए का मान 90 अंश आ गया। तो ए का मान 90 अंश प्राप्त हो गया, है ना, ए का मान 90 अंश प्राप्त हो गया, और पहले से प्रश्न में सार्वांतर दिया हुआ है, मतलब डी का मान कितना दिया हुआ है, 10 अंश। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं, दिया गया है डी बराबर 10 अंश, पहले से हमारे पास डी का मान है, सार्वांतर दिया गया है। अब आसानी से हम चतुर्भुज के जो हर एक कोण है ना उनका मान निकाल लेते हैं। तो चतुर्भुज के पहला कोण का मान पहले निकाल लेते हैं। तो पहला कोण ए माइनस 3d बराबर ए के जगह में 90 अंश और 3d के जगह में कितना रखेंगे, 10 अंश। आगे हल करेंगे तो 90 अंश और ये 30 अंश हो जाएगा ना, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा। तो पहले कोण का मान कितना आया, 60 अंश आ गया। दूसरा कोण निकालते हैं, दूसरा कोण है ए माइनस डी, ए का मान 90 अंश और डी का मान कितना है, 10 अंश, दोनों को घटाएं कितना आ रहा है, 80। तो देखो ये पहला का हो गया, ये दूसरा का हो गया, तीसरा कोण ए प्लस डी 90 अंश माइनस नहीं प्लस 90 अंश प्लस 10 अंश बराबर 100 अंश। तो ये आ गया तीसरे का मान 100 अंश, फिर अंतिम चौथा कोण ए प्लस 3d बराबर ए का मान 90 अंश प्लस 3 गुणित 10 अंश। तो ये हो जाएगा 90 अंश और प्लस 30 अंश, तो बराबर कितना हो जाएगा, 120 अंश। तो ये चौथा जो कोण है इसका मान कितना आया, 120 अंश आया। और यही हमें इस प्रश्न में क्या करके निकालना था, ज्ञात करके निकालना था। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। चलो छठवा प्रश्न देखते हैं, सारे प्रश्न बहुत सरल है, बहुत सरल। छठवा प्रश्न जो है उसको लिख लेते हैं, समांतर श्रेणी, यार ये सारे जो पेन है ना ये थोड़ा खराब है, और जो पेन जिस पेन से मैं लिख रहा था उस पेन की स्याही खत्म हो गया, और ये जो पेन है मोटा चलता है और ये इस पेज पे चलता ही नहीं है, मतलब हर जो पेन है वो पेन हर जो A4 साइज का जो पेपर है ना उस पे नहीं चलता है, तो इस पेपर पे नहीं चल रहा, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। तो चलो देखते हैं, अगर हो पाएगा तो आगे के जो प्रश्न इससे बना पाएंगे, और नहीं होगा तो फिर रोकना पड़ेगा, ठीक है। दो प्रश्नों को जो बचा है उनको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो समांतर श्रेणी में 3 संख्याओं का योग 21 है। प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल द्वितीय
पद से छह अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो क्या करना है, संख्याएं ज्ञात करना है ना, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए कह रहा है। तो तीन संख्याओं का योग कितना है, 21 है कह रहा है। तो यहां से हम डायरेक्ट ए का मान निकाल लेते हैं, तीन संख्याओं का योग 21 है, इसका मतलब ये है कि डी डी तो कट जाएगा तो 3a हो जाएगा है ना, 3a और सीधा 27, 3a कम 3a, a का मान कितना होगा, 9 होगा। तो देखो शॉर्टकट में मैं निकाल रहा हूँ ना, एकदम ना लंबा नहीं जा रहे हैं। पहला प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा, दूसरा प्रश्न अगर आपको समझ में आ गया होगा, तो ये छठवां प्रश्न जो योग वाला है ना, तो योग का मान कैसे निकालते हैं ये पता चल गया होगा ना। तो यहाँ पर डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा दो तीन स्टेप हटा के सीधा a का मान 9 मैंने निकाल दिए। अरे यार यहाँ पे 21 है ना, मैं 9 क्यों निकालूंगा, 7 आएगा ना ये। ठीक है, दो तीन स्टेप जो है हम स्किप कर देते हैं। ठीक है, ये 21 है तो 3 7 21, तो a का मान कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अब क्या करेंगे, वही जो पहला दूसरा तीसरा पद है ना, तो पहला दूसरा तीसरा पदों में क्या कहे, प्रथम और तृतीय पदों का गुणनफल। पहला पद क्या है, a माइनस डी था है ना, और तृतीय पद क्या है, a प्लस डी है। ठीक है, द्वितीय पद तो a है, तो a प्लस डी, पहला और ये, इन दोनों का जब मैं गुणनखंड करूंगा तो गुणनखंड करने पर जो द्वितीय पद है, ठीक है, द्वितीय पद क्या है, ए है। ठीक है, द्वितीय पद यही ना, ए है, तो ए से 6 अधिक, तो ये 6 अधिक, इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। अब आगे हल करते जाओ, तो देखो अगर ऐसी कंडीशन हो तो इसका गुणा इसके साथ होगा, तो ए का वर्ग हो जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस, और ये डी का वर्ग और ये ए प्लस 6। अब ए के मान को रख दो तो ये 7 का वर्ग डी का वर्ग 7 प्लस 6, तो ये हो गया 49, ये माइनस है, ठीक है, 49 डी का वर्ग, और इन दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 13 हो गया। ठीक है, 13 को इस साइड लेके आते हैं तो 49 माइनस 13 और डी के वर्ग उस साइड ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा दो, घटाएंगे कितना आएगा, 36 आएगा ना, 36 आ गया और ये डी का वर्ग, तो 36 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का वर्ग लिख सकते हैं, डी का वर्ग, वर्ग वर्ग कट गया, तो डी का मान कितना आया, डी का मान 6 हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, डी का मान कितना प्राप्त हुआ हमें, 6 प्राप्त हुआ। अब आसानी से पहला दूसरा तीसरा का मान निकाल सकते हैं, अब आसानी से निकाल लो भाई पहला दूसरा का। तो पहला क्या है, ए माइनस डी, तो ए के जगह में कितना रखेंगे, ए के जगह में 7 और डी के जगह में 6, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, पहला 1 आ गया, फिर a के जगह में 7 रखेंगे, दूसरा 7 आ गया, फिर a प्लस डी 7 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो देख लो पहला पद 1, दूसरा पद 7, तीसरा पद 13, यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब इसमें जो अंतिम प्रश्न है उनको भी देख लेते हैं, सातवां प्रश्न, समांतर श्रेणी की चार, समांतर श्रेणी की चार संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योग 50 और जिनका 50 और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की चार गुनी हो, ठीक है। चलो इस प्रश्न को हल करते हैं, समांतर श्रेणी की चार संख्याओं को ज्ञात कीजिए, हमें चार संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, समांतर श्रेणी की चार संख्या ज्ञात करना है जिनका योग 50 और सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के चार गुनी हो। तो चार हम ले लेते हैं, मानते हैं, माना, ठीक है, मानते हैं चार समांतर श्रेणी, चार क्रमागत समांतर श्रेणी मानते हैं। तो जो हमने चतुर्भुज वाला बनाया था उसमें चार हमने माना था ना, तो चार वही यहां भी हम मान लेते हैं, ए माइनस 3d, और इनका योग भी करेंगे है ना, और
ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी, फिर ए प्लस 3d। तो आपको पता है ये तो कट जाएगा डी डी, और जिनका योग कितना है 50 है कह रहा, तो यहाँ पे 50 रखेंगे। ठीक है, चार मानते हैं और चारों का योग कितना रखना है, जिनका योग 50 है मतलब 50 रखना है। तो 4a और यहाँ पे कितना रहेगा 50। अब 50 को भाग देंगे 4 से, तो 50/4 तो ये हो जाएगा 2 2 12 में और 2 25 सम, तो 25/2 आएगा। ठीक है, 25/2, तो ए का मान यहाँ पे कितना आ रहा है, 25/2 आ रहा है। फिर क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या, मतलब हमें एक तो सबसे बड़ी संख्या लेना है और दूसरा क्या है, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या 4 गुनी है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा, जो प्लस में है वो सबसे बड़ी संख्या होगा। देखो ये सबसे छोटी है, माइनस में इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये है, ऐसी ऐसी हम लोग क्रम लेते हैं ना। तो ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा ये है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ी कौन हो गया, सबसे बड़ी संख्या जो है वो हो गया ए प्लस 3d हो गया, और सबसे छोटी संख्या ए माइनस 3d। तो यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या के 4 गुना है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 का गुना कर देंगे। 4 गुना का मतलब यही होता है। अब ए के मान को रख देते, ए का मान कितना है 25/2 3d, फिर 4 का अंदर गुणा कर दो, तो 4 का नहीं, 4 को पहले पहले गुणा नहीं करेंगे, पहले ना ए का मान रख लेते हैं 25/2 3d, अब गुणा कर देंगे। तो 25/2 प्लस 3d, 4 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100, 25 चौक 100/2 माइनस 4 3 12 d। अब ये देखो, ये दोनों नंबर नंबर है ना, नंबर नंबर वाले को एक साइड और जिसके साथ d गुणा हुआ है उनको एक साइड ले जाते हैं। तो d यहाँ पे है तो 3d को आगे में लिख लेते हैं, ये माइनस है, इस साइड आके प्लस हो जाएगा, तो ये 12d प्लस में रहेगा, है ना, ये 100/2 और ये इस साइड आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 25/2। इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 15d हो जाएगा। और देखो हर जब तक के बराबर नहीं होगा तब तक के ना जुड़ सकता है मान, ना तो घट सकता है। देखो हर हर दोनों के बराबर है इसलिए ये आसानी से घट जाएगा। तो 75/2 कितना आ जाएगा, 75/2 आ जाएगा, तो ये आ गया 75/2 आ गया। अब 15 के पहाड़ा में देखो, 15 एकम 15 और 15 पंचे 75, तो 5 बार में कट गया, तो डी का मान कितना आया, 5/2। यहाँ पे डी का मान हमें प्राप्त हो रहा है ना, डी का मान 5/2 प्राप्त हुआ। अब हम पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों मानों को निकालेंगे, तो चारों मानों को चलो अब निकालते हैं। तो यहाँ पे पहला मान पहले निकाल लेते हैं, तो पहला क्या था, पहला पहला श्रेणी का पहला पद मान लो, पहला पद निकालते हैं, तो a माइनस 3d था ना, तो a की जगह में कितना रखना है, 25/2 रखना है, माइनस 3 × d के जगह में 5/2 रखना है, तो ये हो जाएगा 25 और ये 5 3 15 है ना, और नीचे हर दोनों के बराबर है, तो हर बराबर है तो आसानी से ये घट सकता है। तो 15 में मतलब ये जो 25 है, 25 में 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10, 10/2, 2 एकम 2 पंचे, तो a का मान कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, पहला पद क्या निकला आपका, 5 निकला। ठीक है, a का मान नहीं कहेंगे हम उसे, पहला पद कहेंगे। दूसरा पद a माइनस डी रहेगा, है ना, 25 माइनस 2 और d का मान कितना है, 5/2, घटाएंगे कितना आ जाएगा, 20/2, तो दूसरा जो मान है वो 10 आ गया। तीसरा ए प्लस डी, 25 + 2, 25/2 प्लस 5/2, 30/2, तो ये आ जाएगा, भाग देंगे तो 15 आ जाएगा। और चौथा ए प्लस 3d, 25/2 प्लस 3 × 5/2, तो ये 15 और 25 कितना हो जाएगा, 40, 40/2 ये 20 आ गया। तो पहला पद 5, दूसरा पद 10, तीसरा और चौथा ना 15 और 20, तो यही क्या है, इस प्रश्न का उत्तर है। तो इस तरीके से प्रश्नावली 17.4 जो है वो पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्नावली 17.5 देखेंगे।